अमिताभ जी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, और राजनीति में महिलाओं को बढ़ाने के लिए अगर बात की जाए तो मैं तुलसी नेताजी के आंगन की, यानी जो तुलसी नेताजी के आंगन की होगी टिकट उसी को मिलेगा। बाकी और कितनी भी महिलाओं ने सड़क पे या कहीं पे भी संघर्ष किया उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। जिस देश में यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की जो है फिलॉसफी रही हो, और हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी रही हो, और आज भी दूसरे क्षेत्रों में हवाई जहाज उड़ाने से लेकर फाइटर प्लेन, मिलिट्री, डॉक्टर, हर जगह महिलाएं आगे हैं, लेकिन राजनीति जब आती है ना तो अपने आंगन की तुलसी को सारे लोग बढ़ाते हैं और कोई भी पार्टी हो। यानी कि अगर नेताजी मंत्री जी के आंगन की तुलसी है तो जल उसी को चढ़ेगा। बाहर कोई कितनी भी बड़ी तुलसी हो, कितनी भी सशक्त तुलसी हो, उसको जो है जल नहीं चढ़ेगा। ये विडंबना है अपने देश की कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे अपने घर की ही बहू बेटियों को, जो कभी राजनीति में जिनकी इच्छा भी नहीं रही हो, लेकिन हाँ मेयर का पद, फलाने पद घर में ही रह जाए, हम मंत्री रहेंगे, हमारी जी बहू बेटी बहन ये बनेगी, तो ये परिवारवाद को पल्लवित करने का एक तरीका है। मतलब हम तो हैं ही, दो चार और घर से हो गए तो पूरी की पूरी सरकार इसका उदाहरण है। समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो सुनते थे कि 100 से ज्यादा सीटें तो उनके परिवार में ही थी, या पद उनके परिवार में ही थे, बुआ, ताया, ताऊ, चाचा, भतीजा, चलो जी ये लो ये लो। तो और महिलाओं के मामले में ये स्थिति ज्यादा गंभीर है, आपका प्रश्न विचारणीय है। और मजेदार बात मैं ये यहाँ पे ये जी देखता हूँ, जो महिलाएं चुनाव जिताने के लिए सड़क पर रोज संघर्ष करती हैं वो उसका विरोध भी नहीं करती है कि भाई ठीक हम ठीक लोगों को मिश्रा टिकट जी, क्यों नहीं उसका मिला, उसका अर्थ मैं और किसी बताऊंगा। एक ऐसी ठीक महिला मिश्रा को जी, टिकट दोबारा मिल आता जाए हूँ मैं, जो सुना नेता ठीक जी है ठीक है आंगन की तुलसी मिश्रा है। जी ठीक बात। मैं आनंद ने आनंद का बेटा आनंद का बेटा है ना, मायावती जी का भतीजा, तो लोकतंत्र तो खूंटे से बाहर जा ही नहीं रहा ना, स्त्री के लिए ना पुरुष के लिए। मिश्रा जी देखिए अमिताभ जी, जो आपने मायावती जी का उदाहरण दिया, पार्टियां जब अपने शैशव काल में होती हैं तो वहां पे वाकई में लोकतंत्र को या अच्छे तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया जाए इस चीज की तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वहां परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो पार्टी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। आप किसी भी पार्टी का उदाहरण लीजिए, लालू प्रसाद यादव के साथ शुरू में सारे अच्छे लोग थे, उनके परिवार का कोई नहीं था, शायद अकेले थे, लेकिन एक बार जब सत्ता आ गई तब वहां पे चिंता होने लगती है कि भैया कैसे भी करके खूंटा तो अपने आंगन में पहले गाड़ो। तो शुरू होता है एक खूंटा ढूंढा जाए, उसको आंगन में गाड़ के फिर रस्सी भी ढूंढने की शुरुआत होती है। इसका उदाहरण भी आप देखिए लालू प्रसाद यादव से, जब वो सत्ता की पराकाष्ठा पे पहुंचे और मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो महिला सशक्तिकरण उन्होंने भी किया, और अपनी वाइफ, अपनी धर्म पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने बना के किया। क्या ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा आदमी टैलेंटेड रहा हो जो कि उन सारी परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म कर सकता? लेकिन सवाल यही है कि तुलसी मेरे आंगन की ही होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया उसी को जल मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसा करके स्वस्थ लोकतंत्र में 50% प्रतिभा का हम सही उपयोग, चयन या मनोनयन नहीं कर पाते हैं। इससे राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप जी से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रोडक्टिविटी जो नेशन की होती है वो वाकई में प्रभावित होती है। काश आपने जो उदाहरण मायावती का दिया, आज वही चीज मायावती की पार्टी में आज देखने को मिलती, मुलायम सिंह की पार्टी में आज देखने को मिलती, कांग्रेस में आज। कांग्रेस अगर 40% महिलाओं को सीट दे रही है तो उसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन निर्छल भाव जी से जो पॉलिटिकल जी फेज, जब ग्रोइंग फेज होता है, जी वो आज किसी भी पार्टी में नहीं है, चाहे मायावती की हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो भी हो। तो वो एक क्षेत्र विशेष और समय विशेष के लिए होता है जब जी अच्छे लोगों को जोड़ा जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। जी ठीक बात। नहीं अमिताभ जी, बात आप सही बोल रहे हैं, डिबेट के प्रथम चरण में यही बात मैंने बोली थी कि महिलाएं विरोध भी नहीं करती हैं कि भाई हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिला, क्यों हेलीकॉप्टर से किसी को ले आकर के यहाँ पे कोई भी पार्टी हो दूसरे को टिकट दे दिया गया। जवाब भी आपने दिया था कि उनको पता है कि भाई विरोध करने से कुछ होगा नहीं, अपने क्षेत्र का सबको पता रहता है कौन किसका करीबी है। एक परसेप्शन अभी भी बना हुआ है, दबाव का परसेप्शन बना हुआ है कि भाई होगा तो वही जो नेताजी या जो मंत्री जी चाहेंगे। आपकी बात भी सही है,
कि विरोध करके भी क्या करेंगे, जो बची खुची सदस्यता है या पद है पोस्ट है पार्टी में, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी खत्म हो जाए। तो मैं तो यहाँ पे ये बोलता हूं कि जितने भी नेता हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं उनको तो इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, टिकट मिले या ना मिले, कम से कम इतनी स्वतंत्रता और इतना विशाल हृदय तो रखना चाहिए कि महिलाएं जो चाहे वो अपनी पीड़ा तो बोल सके, जो राजनीतिक पीड़ा है वो किसी मंच से किसी मीटिंग में पार्टी की वहां बोल तो सके, कम से कम सवाल तो पूछ। देखिए गार्गी का उदाहरण है, उसने याज्ञवल्क्य से जब सवाल करना शुरू किया तो वहां पे भी लोगों ने बोला कि अब लगता है कि इसके प्राण चले जाएंगे, लेकिन वहां पे सभा ने रोका नहीं और याज्ञवल्क्य ने खुद प्रमोट किया कि बेटे तुम सवाल पूछो, और उसने जम के सवाल पूछे और वो सारे याज्ञवल्क्य थे, इस ये तरह नेता हैं, का नेता ये मानो सब बर्दाश्त नहीं राजनीति करते में कौन है मुझे बताइए। जी। ठीक बात मिश्रा जी, वो याज्ञवल्क्य थे, वो उनने उनने प्रमोट किया, ये नेता लोग हैं, ये बाहर कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। ताहिरा हसन जी, एक आखिर